नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया मॉक्सीफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस आई ड्रॉप के बारे में कि एक्चुअली होती क्या है। एक्चुअली हम लोग देखेंगे एक्चुअली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ही क्या होती है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। फिर हम देखेंगे इसके ब्रांड्स के बारे में, इसके आई ड्रॉप की ब्रांड्स के बारे में, इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। एक्चुअली आई में होते हैं, ईयर में हो सकते हैं, तो वही हम लोग देखेंगे कौन सी बीमारी में होते हैं, और इसके साइड इफेक्ट, डोज और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्रिपरेशन में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता क्या है, तो आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक प्रकार की क्यूनोलोन एंटीबायोटिक होती है, जो कि ऐसे बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है जहां पर पेनिसिलिन सही से काम नहीं करता है, और ये बैक्टीरिया के टोपोआइसोमरेज को ख़त्म कर देती है। एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए के रिपेरेशन में और उसके रेप्लिकेशन में एंड ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि टोपोआइसोमरेज नहीं बनता है। दोस्तों, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपका मन करेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्रिपरेशंस की जो कैटेगरीज होती हैं वो टैबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, इन्फ्यूजन के फॉर्म में आता है, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, ईयर ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है। तो टैबलेट तो इसकी 400 mg की होती है, बाकी ईयर ड्रॉप्स की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ईयर ड्रॉप की बात करें, जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की प्रिपरेशन ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन होती है, इसकी जो ब्रांड होती है वो कौन कौन सी होती है, तो ये मौसी के नाम से आती है, जो कि ज़्यादातर फेमस है। थोड़ी सी महंगी आती है, शायद 79 या 80 की आती है इसकी ड्रॉप, शायद 5 ml, हाँ 5 ml ही होती है। एंड मॉक्स के नाम से आती है, मॉक्सीआर्क के नाम से, मिलफ्लॉक्स के नाम से, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं। जो भी सस्ती आपको पड़ती है आप ले सकते हैं। देखो, जेनरिक अगर आप लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, तो देखो काम लगभग उतना ही करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन या आई ड्रॉप के यूजर्स के बारे में बात करें, तो इसका यूज़ हम लोग कंजुवाइटिस में करते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अब कोई भी, या आँख में, आपकी आइज़ में कोई भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, आपके ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके इस प्रिपरेशन के डोज की बात करें, तो आपको इसको कैसे यूज करना है, तो अगर आपकी आई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पे आपको दिन भर में लगभग 3 टाइम, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, आपको एक एक ड्रॉप यूज करना है, डालना है आंख में करीब 7 दिन के लिए। आपको एक चीज सावधानी रखनी होती है, जो ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन होता है उसकी जो टिप होती है, वहां पे आपको अपनी उंगली से कभी भी टच नहीं करना है, या किसी भी ऐसी चीज से जिससे उसमें इन्फेक्शन हो, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आंखों में बढ़ सकता है। दोस्तों, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस के अगर कुछ प्रिकॉशंस की बात करें कि आपको ये कब यूज़ नहीं करना है, तो पहली चीज़, अगर आप इसके प्रति एलर्जिक हैं तब आप इसको यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, आप इसको लंबे समय तक यूज ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन में बदल सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ठीक नहीं होता है तो आप लंबे समय तक यूज ना करें, मेडिसिन बदल लें या फिर डॉक्टर से संपर्क कर लें। उसके बाद देखा जाता है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिल लें। नेक्स्ट दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो पहली चीज, तो आपका जो रेंज है, विजुअल रेंज है, वो डिक्रीज हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं, तो एक तो आप विजुअल रेंज जो आपका है वो कम हो सकता है, दूसरी चीज़, आपकी आंखें ड्राई लग सकती हैं, आंखें सूखी लग सकती हैं, और आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं आइज में, वो नष्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज़, आंखों में केरेटनाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे केरेटनाइजेशन नहीं होता, केरेटाइटिस होता है। केरेटाइटिस का मतलब आपकी जो आंखों में एक तरह से कोशिकाएं हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे आंखें में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आने लगती है। इसी के साथ में आपको ऑक्युलर डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, और ऐसे जो है आपकी आंखों में पेन हो सकता है, एंड आंखों में रेडनेस आ सकती है, आपकी नसें मोटी हो सकती हैं आंखों की, जिससे आपकी आंखें देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा लाल हैं, एंड टीयरिंग हो सकती है। टीयरिंग करने मतलब क्या, कि आपको आंखों से लगातार
आंसू निकल सकते हैं, आंखों से पानी आ सकता है अगर आप एक लंबे समय तक इसको यूज करते हैं। तो आप लंबे समय तक यूज ना करें और ज्यादा मात्रा में यूज ना करें, केवल एक ड्रॉप ही आपको यूज करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अवहेलना करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उससे फायदा क्या होता है, लोगों को लगता है कि जल्दी से सही करेगी पर नुकसान करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के आई ड्रॉप्स के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग छोटे मतलब शॉर्ट टाइम में आपको शॉर्ट वीडियो लेकर के आते हैं जिससे आपको बहुत सारी जानकारी कम समय में मिलती है।